तो दोस्तों 1965 की साइंस फिक्शन नॉवेल ड्यून के ऊपर पहले भी कुछ फिल्म और सीरीज बन चुकी है, पर वो ज्यादा हिट नहीं हुई थी। लेकिन 2021 में आई ड्यून मूवी ने उस नॉवेल को काफी अच्छी तरह पेश किया और अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट आ चुका है जिसमें उस कहानी को बढ़िया तरीके से खत्म किया गया है। ड्यून एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शनल मूवी है, लेकिन ये फिल्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आज मैं ड्यून मूवी के दोनों पार्ट को एक साथ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है भविष्य के समय साल 10,191 की। इंसान ने अब बहुत विकास कर लिया है और वो ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर बस चुका है, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी इंसान अब सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कई साल पहले AI रोबोट्स इंसानों पर हावी हो गए थे, इसलिए अब थिंकिंग मशीन्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन ऐसे कई काम थे जिनके लिए पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत थी, खास तौर पर स्पेस ट्रेवल में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने स्पाइस यानी खनिज का इस्तेमाल करना शुरू किया। खनिज एक ऐसा तत्व है जो कि इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने पर कोई भी इंसान एक कंप्यूटर के जैसे सोच सकता है। इसीलिए अब स्पेस ट्रेवल के लिए सुपर कंप्यूटर्स की बजाय खनिज से विकसित किए हुए तेज दिमाग वाले इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये स्पाइस यानी खनिज पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्लेनेट पर मिलता है, जिसका नाम है अरेकिस। ये एक रेगिस्तानी ग्रह है जिसकी रेत में वो खनिज पाया जाता है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस रेगिस्तान में बड़े बड़े रेतीले कीड़े घूमते हैं जिन्हें शाही हुलूत कहा जाता है। वो खनिज इकट्ठा करने वालों को मार डालते हैं। अरेकिस ग्रह को ड्यून भी कहा जाता है और इस ग्रह पर जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ उस ग्रह के रहवासी जिन्हें फ्रेमेन कहा जाता है वो ही इस रेगिस्तान में बचना और रहना जानते हैं। फ्रेमेन पहले इस ग्रह पर शांति और आजादी से जीते थे, लेकिन जब से खनिज की खोज हुई है तब से उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब कई शक्तिशाली ग्रह के लोग वहां आकर खनिज की खुदाई करते हैं और फ्रेमेन को परेशान करते हैं, इसीलिए उन्होंने अब छुपकर रहना शुरू कर दिया था। फिलहाल अरेकिस पर हरकुनेन नाम के एक शक्तिशाली वंश के लोग खनिज इकट्ठा कर रहे थे। हरकुनेन बहुत जालिम लोग थे, वो कई साल से अरेकिस पर खनिज की खुदाई और फ्रेमेन पर जुल्म कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ब्रह्मांड के सम्राट शद्दाम कोरिनो ने हरकुनेन वंश को अरेकिस छोड़ने का हुक्म दे दिया और उन्होंने अब अरेकिस की जिम्मेदारी कैलेडन प्लेनेट के अट्रेडिस वंश को सौंप दी। ऐसा करने के पीछे सम्राट की एक चाल थी। असल में अट्रेडिस वंश के लोग बहुत ताकतवर और होशियार थे, इसलिए शद्दाम को ये डर था कि कैलेडन का राजा लेटो उनकी जगह लेकर ब्रह्मांड का सम्राट न बन जाए। इसलिए शद्दाम ने हरकुनेन के राजा बैरन व्लेडिमिर के साथ मिलकर अट्रेडिस वंश को खत्म करने का फैसला कर लिया। इस काम के लिए वो अट्रेडिस को अरेकिस ग्रह पर बुलाकर अचानक उन पर हमला करने वाले थे। इधर कैलेडन के राजा लेटो को ये शक हो गया था कि शद्दाम उनके साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन वो सम्राट का हुक्म नहीं टाल सकता था, इसलिए वो अपने परिवार और ग्रह के लोगों को लेकर अरेकिस पर चला जाता है। लेटो की बीवी जेसिका एक दूसरे वंश की औरत थी जिसे बेने जेजेरेट कहा जाता है। बेने जेजेरेट एक ऐसा ग्रुप था जिसमें सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। इन औरतों के पास कुछ शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ होती है। बेने जेजेरेट कई सालों से अलग अलग वंश के साथ संगम करके एक ऐसे लड़के को जन्म देने की तैयारी कर रहे थे जिसे कहते हैं क्विजेट्स हेदरेक, एक मसीहा जिसमें भविष्य देखने की शक्ति होगी और वो इंसानियत को सही राह दिखाएगा। जेसिका को उसकी गुरु माँ ने ये आदेश दिया था कि वो एक लड़की को ही जन्म दे, लेकिन जेसिका ने लेटो को उसका वारिस देने के लिए एक लड़का पैदा किया जिसका नाम था पॉल, और पॉल को जेसिका ने अपने बेने जेजेरेट के सारे हुनर सिखाए इस उम्मीद में कि वो क्विजेट्स हेदरेक बन जाए। और पॉल को अभी से भविष्य की झलक दिखना शुरू हो गई थी जिसमें उसे नजर आता है कि अरेकिस पर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ राजा लेटो अरेकिस पर शांति स्थापित करने और खनिज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए फ्रेमेन लोगों से दोस्ती करने का सोचता है। इसके लिए वो फ्रेमेन के लीडर स्टिलगार से बातचीत करता है और एक फ्रेमेन साइंटिस्ट डॉक्टर काइंस के साथ पूरे ग्रह पर घूम के वहाँ की जानकारी लेता है। फिर एक रात अट्रेडिस वंश का डॉक्टर यूए उस महल की सिक्योरिटी शील्ड को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हरकुनेन आर्मी और सम्राट की सार्दोकार आर्मी वहां पर हमला कर देती है। इस अचानक हुए हमले से अट्रेडिस वंश के लोग घबरा जाते हैं और वो हारने लगते हैं।
इसी दौरान डॉक्टर यूए राजा लेटो पे वार करके उसे अपाहिज बना देता है। फिर यूए उसे बताता है कि बैरन व्लादिमीर ने उसकी बीवी को पकड़ लिया है, जिसे बचाने के लिए उसे अट्रेडिस के साथ गद्दारी करना पड़ रहा है, और बैरन उसकी बीवी को तभी छोड़ेगा जब वो लेटो को उसके हवाले करेगा। लेकिन डॉक्टर यूए को ये गद्दारी करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो लेटो को बैरन के हवाले करने से पहले उसके मुंह में एक नकली दांत लगा देता है जिसमें जहरीली गैस थी, ताकि लेटो वहां सही वक्त आने पर बैरन को उस गैस से मार सके। इसी दौरान अट्रेडिस की पूरी आर्मी हार जाती है और तब बैरन अपने साथियों के साथ अरेकिस के उस महल पर कब्जा कर लेता है। फिर डॉक्टर यूए और लेटो को उसके सामने लाया जाता है, जहां बैरन यूए को बोलता है कि उसने उसकी बीवी को मार दिया, और फिर वो डॉक्टर यूए को भी मार डालता है। इसके बाद बैरन लेटो को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लेटो उस दांत को तोड़ के वो जहर बैरन पे छोड़ता है। उस जहर का इस्तेमाल करने से लेटो खुद मारा जाता है, लेकिन बैरन अपनी एनर्जी शील्ड की वजह से मरता नहीं, बस वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ जेसिका और पॉल को हरकुनन के कुछ आदमी रेगिस्तान में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। वो उन्हें सीधे सीधे इसीलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि जेसिका की बेने जेजरेट गुरु भी उस साजिश में शामिल थी, जिसने बैरन से कहा था कि वो जेसिका और पॉल को बख्श दे, पर बैरन उन दोनों को छोड़ने का वादा करके अब उन्हें धोखे से मरवा रहा था। लेकिन जेसिका वहां अपनी शक्ति से उन गुलामों को अपने काबू में करके उन्हें मार देती है, और वो पॉल के साथ वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों रेगिस्तान में छुपकर रहने लगते हैं। उधर अट्रेडिस का एक योद्धा डंकन जिंदा बच जाता है और वो डॉक्टर काइंस के साथ मिल जाता है। फिर वो दोनों जब रेगिस्तान से गुजरते रहते हैं, तब उन्हें जेसिका और पॉल मिल जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर काइंस उन तीनों को फ्रेमन के एक खुफिया अड्डे पर ले जाती है और उन्हें रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए एक खास सूट देती है। तभी उस जगह पर सार्दोकार आर्मी हमला कर देती है, और तब डंकन जेसिका और पॉल को बचाने के लिए उन सोल्जर से लड़के कुछ देर उनका रास्ता रोकता है, लेकिन वो आखिर में मारा जाता है। फिर डॉक्टर काइंस पॉल और जेसिका को एक प्लेन देकर उन्हें एक दूसरे फ्रेमन अड्डे पर भेज देती है, और जब वो खुद वहां से भागने की कोशिश करती है तो उस पे कुछ सार्दोकार सोल्जर हमला कर देते हैं। तब डॉक्टर काइंस उन्हें रोकने के लिए एक रेतीले कीड़े को वहां बुलाती है और वो उनके साथ खुद भी मारी जाती है। दूसरी तरफ जेसिका और पॉल फ्रेमन के लीडर स्टिलगार और उसके साथियों के पास पहुंचते हैं। वहां पर चानी नाम की एक लड़की भी मौजूद थी, जिसे पॉल ने कई बार अपने सपनों में देखा था। पॉल वहां स्टिलगार से उनके ग्रुप में शामिल होने की बात करता है। तब एक फ्रेमन योद्धा उसे लड़ाई की चुनौती देता है, जिससे लड़कर पॉल उसे मार देता है। तब वो फ्रेमन लोग इन दोनों को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेसिका वापस अपने प्लेनेट कैलेडन पर जाना चाहती थी, जिसके लिए पॉल मना कर देता है, क्योंकि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, यानी उसे अरेकिस पर शांति स्थापित करना था। इसलिए पॉल और जेसिका फ्रेमन के साथ उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर खत्म होती है ड्यून पार्ट 1 की कहानी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। अरेकिस के महल और खनिज के भंडार पर अब हरकुनन ने कब्जा कर लिया था, और बैरन ने अपने भतीजे रब्बान को वहाँ का राजा बनाकर फिर से खनिज का धंधा शुरू कर दिया था, और अब वो लोग उस ग्रह से सभी फ्रेमन को खत्म कर देना चाहते थे, इसीलिए वो उन्हें ढूंढ कर उन पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेसिका और पॉल फ्रेमन के साथ उनके एक अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां स्टिलगार सबको पॉल के बारे में बोलता है कि उनकी भविष्यवाणी अब सच होने वाली है और उनका मसीहा लिसान अलगाइब उन्हें बचाने आ गया है। फ्रेमन लोगों का ये मानना था कि एक दिन बाहरी दुनिया से दो लोग आएंगे, जिसमें से एक माँ होंगी जो कि उनकी गुरु बनेंगी, और उसका बेटा उनका मसीहा बनेगा। असल में बेने जेजरेट और फ्रेमन एक ही भविष्यवाणी में मानते थे, बस उनके नाम में फर्क था। बेने जेजरेट अपने आने वाले मसीहा को क्विजेट्स हेदरेक बोलते थे, और फ्रेमन उसे लिसान अलगाइब बोलते थे, जो कि इंसानियत को सही राह दिखाने वाला एक मसीहा है। फिर स्टिलगार जेसिका को बोलता है कि वो उनकी गुरु माँ बन जाए, क्योंकि उनकी पुरानी गुरु माँ बूढ़ी होकर मर रही थी। ऊपर से उन्हें अपनी मसीहा वाली भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए जेसिका को गुरु माँ बनाना जरूरी था, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। और तब जेसिका को एक रेतीले कीड़े का विष पिलाया जाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, और क्योंकि उस वक्त जेसिका प्रेग्नेंट थी तो उस विष की वजह से उसकी होने वाली बच्ची में भी शक्तियाँ आ जाती है, और वो अपनी माँ से बात करने लगती है। फिर जेसिका पॉल को भी वो विष पीने के लिए बोलती है, ताकि वो अच्छी तरह भविष्य देख पाए और लिसान अलगाइब बन जाए। लेकिन पॉल कोई मसीहा नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ फ्रेमन का साथ देकर उन्हें आजाद करना चाहता था।
इसीलिए वो धीरे धीरे उन लोगों के तौर तरीके सीखता है और वो एक योद्धा बनने के लिए रेतीले कीड़ों की सवारी करना सीख जाता है। इस सबसे खुश होकर चानी पॉल के करीब आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। इसके बाद पॉल अपने फ्रेमिन दोस्तों के साथ मिलकर बार बार हरकुनन की खनिज खुदाई रोकता है और उनकी मशीनें तबाह करके उनके आदमियों को मारता है, जिससे सभी फ्रेमिन लोग पॉल को एक नया नाम देते हैं, मुआद्दीब, और इस नए नाम का खौफ चारों तरफ फैल जाता है। पर किसी को ये नहीं मालूम था कि मुआद्दीब असल में लेटो का बेटा पॉल अट्रेडीज है। दूसरी तरफ बैरन का भतीजा रब्बान कई बार खनिज खुदाई में नाकाम होता है। इसकी वजह से बैरन अपने छोटे भतीजे फैड रोथा को अरेकिस का नया राजा बना देता है, जो कि एक बहुत ही सनकी और खतरनाक आदमी था। उधर जेसिका को ये समझ में आता है कि उन्हें फ्रेमिन लोगों में टिकने के लिए ज़रा से ज़रा मानने वालों की ज़रूरत है, और अरेकिस के दक्षिण भाग में ऐसे लाखों फ्रेमिन थे जो कि उस भविष्यवाणी में मानते थे। इसलिए जेसिका वहां जाने का फैसला करती है और वो पॉल को भी अपने साथ चलने बोलती है। लेकिन पॉल को कई बार एक सपना दिख रहा था कि अगर वो मसीहा बनकर दक्षिण गया तो उससे एक जंग शुरू होगी जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपनी माँ को दक्षिण भेज देता है और वो खुद उत्तर में रुक जाता है। फिर एक दिन पॉल की मुलाकात उसके पुराने ट्रेनर और फाइटर गर्नी हेलेक से होती है, जो कि किसी तरह अट्रेडिस पर हुए उस हमले से बच निकला था। गर्नी यहाँ पॉल को बताता है कि अरेकिस की एक खुफिया जगह पर अट्रेडिस वंश के बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, जिससे वो लोग आसानी से ये जंग जीत सकते हैं। पर पॉल उन हथियारों के इस्तेमाल से डर रहा था। लेकिन फिर एक दिन बैरन का छोटा भतीजा फैड रोथा फ्रेमन के उत्तर वाले अड्डे पर हमला करके कई लोगों को मार डालता है, जिससे सबको मजबूरी में दक्षिण जाना ही पड़ता है। और अब पॉल लिसान अलगैब बनने का फैसला कर लेता है, जिससे चानी खुश नहीं होती। फिर जेसिका के कहने पर पॉल को वो विष पिलाया जाता है, जिससे उसे अतीत और भविष्य साफ साफ दिखने लगता है। और तब पॉल को पता चलता है कि उसकी माँ जेसिका असल में बैरन व्लादिमीर की बेटी है, मतलब वो एक हरकोनेन थी, जिसकी वजह से पॉल की रगों में अट्रेडिस और हरकोनेन दोनों का ही खून था और बैरन पॉल का नाना था। फिर पॉल वहाँ सभी फ्रेमेन के सामने खुद को उनका मसीहा और अरेकिस का राजा घोषित करता है और वो उन्हें आज़ादी दिलाने का वादा करके जंग के लिए तैयार करता है। इसके बाद पॉल सम्राट शद्दाम को एक संदेश भेजता है, जिसमें वो उन्हें अपनी असली पहचान बताकर उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता है। इसकी वजह से सम्राट अपनी फौज और साथियों के साथ अरेकिस पर पहुंच जाता है और वो बैरन को मुआद्दीब से हारने और उसकी लापरवाही की सजा देता है। उसी वक्त पॉल लाखों फ्रेमेन के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन से उस जगह पे हमला करके सम्राट और हरकुनन की फौज को कमजोर कर देते हैं। फिर वो लोग रेतीले कीड़ों की मदद से सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। इसी दौरान जब रब्बान वहां से भागने लगता है तो गर्नी हेलेक उसे मार डालता है। फिर जब सम्राट और हरकुनन की फौज मारी जाती है, तब पॉल उस महल में घुसता है और वो वहां सबके सामने बैरन यानी अपने नाना को मार डालता है। इसके बाद पॉल सम्राट को बोलता है कि वो उनकी बेटी इरुलन से शादी करके खुद सम्राट बनना चाहता है। असल में पॉल ये काम सिर्फ राजनीतिक कारण से कर रहा था और वो प्यार सिर्फ चानी से करता था, लेकिन सम्राट उसकी बात नहीं मानता। तब पॉल उन्हें खुद से लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के लिए सम्राट अपनी जगह फेड रोथा को भेजता है और तब उन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके अंत में पॉल फेड रोथा को मार डालता है। इसकी वजह से शद्दाम पॉल को ब्रह्मांड का सम्राट बना देता है और इरुलन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर इससे चानी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो रेगिस्तान में अकेले कहीं चली जाती है। इसी दौरान अरेकिस ग्रह के आसपास कई बड़े वंश के स्पेसशिप पहुंच जाते हैं, जो कि सम्राट की रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पॉल अब नया सम्राट बन गया है, तो वो लोग उसकी हुकूमत को ठुकरा देते हैं। तब पॉल अपने सभी फ्रेमेन साथियों को उन वंशों के लोगों पर हमला करने बोल देता है। उससे एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और पॉल का वो सपना सच हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ड्यून के दोनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।